गाइज आप सोच रहे होगे ये थंबनेल देखकर कि मैं वो करता हूँ जो आप सोच रहे हो, बट वो कुछ नहीं है, मेरा फ्रेंड ने बुक किया है तो मैं उसे ही अनबॉक्स कर रहा हूँ। सब कुछ अनबॉक्स करने के बाद सारे के सारे डिटेल्स बता दूंगा इस प्रोडक्ट की कि कैसा ये प्रोडक्ट है। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट करे एक मिनट, सबसे पहले नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर दीजिए एंड बाजू मेरे से बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको ऐसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस एंड फोन की अनबॉक्सिंग्स मिलते रहे। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हो सामने आ चुका है हमारा बॉक्स जो कि एक चाइना प्रोडक्ट है। यहाँ पर लिखा है हो श्यो श्यो प्या श्यो, आपको चाइना आती है तो ये वही है जो आप समझ रहे हो। सो साइड में भी यही लिखा है हो श्यो 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 एंड पीछे की तरफ भी बहुत ज़्यादा है गाइज, मैं अब तो नहीं बता सकता है। अगर से आप नीचे देखोगे तो मेड इन चाइना यानी पूरा ये चाइना प्रोडक्ट है, तो आपको पता है प्रोडक्ट कैसा होने वाला है क्योंकि चाइना का है। सो सब कुछ वही लिखा है हो श्यो 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 जो भी हो सका, मुझे तो पता नहीं, आपको पता है तो आप पढ़ लीजिए। सो यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं एंड गाइज इट्स लुक्स प्रीमियम मेरा, यानी इसको ऊपर से देखने तो प्रीमियम लग रहा है बट पता नहीं चाइना वालों का है, मीन्स बाहर से तो अच्छा लगेगा, जब इसे यूज़ करोगे तो कैसा रहेगा आपको पता ही है। तो चलिए यहाँ से इसे पहले तो बाहर निकाल देता हूँ एंड यहाँ पर आपको अंदर और एक आपको केबल देखने को मिल जा रही, मेरे ख्याल से इसको चार्जिंग लगाने के लिए है। सो यहाँ से इसे बाहर निकाल लेते हैं एंड ये USB मैक्रो है। सो आपको यहाँ पर मैक्रो का इनपुट देखने को मिल जा रहा है। सो मीन्स टाइप सी नहीं है, मीन्स टाइप सी तो सिर्फ फ़ोन्स के लिए था, अब इसके लिए भी तो नहीं आएगा। एंड ये मैक्रो केबल है जो कि डिसेंट क्वालिटी का लग रहा है। सो इसे साइड में रख देते हैं क्योंकि चाइना प्रोडक्ट है तो आपको पता ही है कैसा होगा। सो यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपको ऊपर की तरफ हुआ यू की ब्रांडिंग देखने को मिल जा रही है जो कि ये कंपनी की ब्रांडिंग है, मीन्स ये पूरा प्लास्टिक का लग रहा है ना कि मेटल का है। सो प्लास्टिक का है तो चलिए इसे ओपन करते देखते हैं अंदर कोई और क्या चीज़ेस हैं। एंड यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है एंड मेरे ख्याल से इसमें डॉक्यूमेंटेशन होना था बट नहीं है क्योंकि ये चाइना प्रोडक्ट है, उस वेल सब में पता है कैसा होने वाला है। सो चलिए अब वॉच के लिए बात करते हैं एंड यहाँ से अब देखिए गाइज, यहाँ से पहले तो मैं इसे रैपर को निकाल देता हूँ एंड अंदर से वॉच को निकालते देखते हैं कैसा लगता है। एंड गाइज मुझे तो प्रीमियम लग रहा है इसका मेटल फ्रेम क्योंकि आप यहाँ पर ऊपर देख पा रहे हो रोमन नंबर्स लिखा है। सो लुकने में थोड़ा प्रीमियम लग रहा है, मीन्स लुक वाइज तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है एंड अंदर भी देखोगे तो आपको 1-6 जो है वो सिर्फ लकीर देखने को मिल जा रही है एंड 12 लेवल 10 जो है वो नंबर्स है। सो ये सिर्फ लाइन्स है। सो हुआ यू की ब्रांडिंग यहाँ पर भी है, मीन्स बहुत ब्रांडिंग ही ब्रांडिंग है एंड वेट भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपको पता है इसमें बैटरी होता है। एंड जो इसकी रबर क्वालिटी है वो बिल्कुल घटिया है, मीन्स यहाँ पर आप देख पा रहे हो घटिया सा लग रहा है, मीन्स फीलिंग ही बहुत घटिया आ रही है, तो यूज़ करने में और कितना घटिया होगा। मेटल फ्रेम तो अच्छा है बट जो इसकी बेल्ट क्वालिटी है वो बिल्कुल घटिया सी है। एंड अगर से आप पीछे देखोगे तो पीछे भी ब्रांडिंग है गाइस, हर जगह ब्रांडिंग ही ब्रांडिंग है एंड यहाँ पर नीचे मैक फिनिश दी गई है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो साइड में की तरफ आपको इनपुट देखने को मिल जा रहा है मैक्रो का। सो यहाँ से आप इस चार्ज कर सकते हो। सो चलिए गाइस अब वक्त आ चुका है अब इसको खोलने का, मीन्स स्लाइड करने का। तो चलिए यहाँ से अभी इसे स्लाइड करते एंड हो जा भाई। एंड गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो बिल्कुल रेड हो चुका है, मीन्स इतना फुल हीट हो चुका है कि यहाँ पर पूरा रेड हो चुका है, जैसे एक मेटल को हम आग में डालते हैं तो कितना रेड होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है। सो देखने में तो बिल्कुल कूल सा लग रहा है, सो इसमें ये बहुत अच्छा लग रहा है गाइस मुझे तो। तो चलिए अब यहाँ पर मैं एक पेपर को जलाकर देखता हूँ कैसा ये जलता है। सो चलिए अब इसे अंदर घुसेड़ते हैं एंड गाइस ये बिल्कुल जल रहा है गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे हो मीन्स पूरा हीट हो चुका है। अगर से आप फिंगर रखोगे तो ये एक मिनट गाइस ये ऑफ हो चुका है, तो फिर से करते हैं इसे एंड चलिए इसे फिर से लगाते हैं। तो गाइस ये पूरा हीट हो चुका है, अगर से आप अपना फिंगर लगाओगे ना गाइस लिटरली आपका फिंगर जल जाएगा, मीन्स ये इतना बहुत हीट है गाइस, आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो। एंड गाइस ये बिल्कुल हीट हो चुका है वॉच, मीन्स मैंने इसे सिर्फ 2 टाइम्स इस्तेमाल करा है एंड वॉच हीट हो चुका है लेफ्ट साइड में जहाँ पर वो बर्नर था। सो फुल हीट हो चुका है, फिर से इसे लगा कर देखता हूँ कि हीट होता है नहीं। एंड गाइस फिर से ये बहुत हीट हो जा रहा है गाइस, यहाँ पर पूरा जो वॉच है ना वो पूरा हीट हो जा रहा है अगर से हम इसे एक बार इस्तेमाल करते हैं तो। सो जब इसे ऑन करते हैं वो हीट हो जा रहा है। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया ये प्रोडक्ट चाइना कंपनी का है, सो आपको पता है चाइना के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, तो इसीलिए गाइस इसकी जो ये बेल्ट की क्वालिटी है ना वो बिल्कुल खराब सी क्वालिटी है, मीन्स एकदम डिसेंट से भी कम क्वालिटी है आपको मैं यहाँ पर
दिखाता हूँ। यहाँ पर ये बिल्कुल रबर का एंड ऐसा लग रहा है, अगर से इस पे कोई पानी गिरेगा एंड हम इसे रब करेंगे तो निकल ही जाएगा, मीन बिल्कुल कम क्वालिटी का लग रहा है। एंड अगर से आप इसका साइज देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है इतना मोटा साइज है। तो एज वेल एज हमें पता है कि यहाँ पर हमें अंदर बर्निंग के लिए छोटा सा वहां दिए गए एंड बैटरी जरूर होता है, तो इसलिए मोटा तो जरूर होगा, तो इसलिए बहुत मोटा लग रहा है। एंड गाइस, तो गाइस मैंने जैसे प्रोडक्ट को बुक किया एंड इसमें चार्जिंग मीडियम मीन 50% से भी ज्यादा था, एंड जैसे मैंने इसको 3-4 टाइम्स यूज किया चार्जिंग खत्म हो गया, मीन यहाँ पर आपकी बैटरी भी जो है वो बहुत कम है, तो आप इसे 2-3 बार यानी 10 बार तक यूज कर सकते हो आफ्टर चार्जिंग। तो मैं फिर से खोल कर बताता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो रेड कलर का आ रहा है, तो ये बिल्कुल 5 सेकेंड्स तक रहेगा, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पर ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट गाइज जब भी मैं इसे ओपन करता हूँ ये हीट होता है, तो यहाँ पर का जो इतना पार्ट है ना गाइज, इसका हाफ पार्ट एंड पीछे का हाफ पार्ट पूरा हीट हो जा रहा है, तो जिस वजह से कि ऐसा लग रहा है इसकी लाइफ स्पैन जो है वो बहुत कम होगी, क्योंकि ये खराब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो आधा पार्ट है वो हीट हो जा रहा है अभी, यानी मैंने इसे अभी यहाँ पर अभी डिलीवर हुआ है, मैंने इसे ओपन करा है अभी के अभी ये हीट हो रहा है, तो ये जरूर इसकी लाइफ स्पैन जो है वो कम होगी। एंड गाइज आपको पता ही है ये चाइना प्रोडक्ट है, तो जरूर बनता है कि ये कम ही चलेगा, आपको पता ही है चाइना प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ डिसेंट प्रोडक्ट है, उतना भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। अगर से आप सिर्फ सिगार जलाने के लिए लोगे तो जरूर इसे खरीदना, बट गाइज अगर से आप सिगार के लिए नहीं ले रहे, सिर्फ स्टाइल के लिए ले रहे, मीन्स एक ही पैसे में दो चीज मिल रहे हैं बोलकर इसे मत लीजिए। अगर से आपको सिर्फ सिगार के लिए लेना है तो ये लीजिए, एंड अगर से सिर्फ आपको वॉच ही चाहिए तो सिंपली वॉच लीजिए, ये मत लीजिए। सो गाइज मैंने आपको सारे के सारे डिटेल्स बता दिए, एंड मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तो उतना अच्छा नहीं है, मीडियम सा है, मुझे इसे थोड़ा ही पसंद आया, ज्यादा कुछ पसंद नहीं आया। एंड अगर से आपको ये अनबॉक्सिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का वाला वीडियो बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।